मुहर्रम में सबीले लगाना, उन सबीलों से पानी पीना। तो देखें वो भी शिया हजरात का मसलक है, उनका कॉन्सेप्ट है कि वो हजरत हुसैन के नाम की सबीलें लगाते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ किसी को छेड़े नहीं, अपना मसलक छोड़े नहीं, दूसरे को छेड़े नहीं। ये मैं अहले सुन्नत वल जमात के लिए मसाइल रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि हमारे लिए किसी भी चीज़ के जायज़ और सवाब होने के लिए दलील की ज़रूरत है। दलील कुरान और सुन्नत है, सहाबा हैं। तो हमें ना अहले बैत से इसका कोई सबूत मिलता है, ना सहाबा से, ना कुरान और सुन्नत से कि मुहर्रम में सहाबा ने सबीलें लगाईं। हज़रत हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत के बाद अहले बैत में से किसी ने सबीलें लगाई हों या उन्होंने सबीलें लगाने का हुक्म दिया हो, कहीं भी नहीं मिलता। ये अमल भी बिदत है, नाजायज़ है, इससे इज्तिनाब करें। और एक अजीब बात है, कभी आप इसको गम का महीना कहते हैं और काले कपड़े पहनते हैं और सबीलें लगा के लोगों को शरबत पिला रहे हैं, तो ये तो खुशी के मौके पर होता है ना, खुशी के मौके पर खिलाया पिलाया जाता है। तो ये एक कन्फ्यूजन है कि ये खुशी मना रहे हैं कि गम मना रहे हैं। तो खिलाना पिलाना खुशियों के मौके पर होता है, तो इसलिए आप इन चीजों से इज्तिनाब करें, ना सबील लगाएं, ना उस पर खड़े होकर पानी पिए। जो लगा के बैठे वो उसको छेड़े नहीं, आप तंग ना करें, वो उसका मसला है, उसको छोड़ दें। दुनिया में बहुत सारे फिरके हैं, किस किस को आप काबू में करेंगे? मुल्क में अनारकी फैलती है, मुल्क में फसादात होते हैं। किसी से नफरत करने की जरूरत नहीं है, किसी को टाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, तंज ताने की जरूरत नहीं है। जो लगा के बैठा हुआ है लगाए, जो पी रहा है उसको पीने दें, छेड़े नहीं। लेकिन मैं आपके लिए ये कह रहा हूं जो इस वक्त मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अगर आप कुरान और सुन्नत ही को फॉलो करते हैं, आप अहले सुन्नत वल जमात में हैं, या तो मैं बार बार कहता हूं पूरे शिया हो जाए ना, फिर आप डबल डबल मसलकों पे चलना तो ये दुनिया में किसी का भी उसूल नहीं है कि आधा उधर आधा उधर, वो तो कहीं का भी नहीं होता। या तो पूरे उधर हो जाए या फिर पूरे अहले सुन्नत वल जमात बन जाए। तो अहले सुन्नत वल जमात के यहां ये सबीलें लगाना ये जायज काम नहीं है, क्योंकि कुरान और सुन्नत से इसका सबूत नहीं है। लोग कहते हैं एक आदमी किसी को शरबत पिला रहा है, पानी पिला रहा है, तो पानी पिलाना तो बड़ा अच्छा काम है। पानी पिलाना अच्छा काम है पूरे साल, किसी दिन को खास कर लेना ये अच्छा काम नहीं है। तो इससे बिदत की ताईद होती है। तो अगर कोई प्यासा आपको नजर आता है तो मुहर्रम में हो तो मुहर्रम में भी पिलाएं, सफर में हो तो सफर में भी पिलाएं। लेकिन कोई प्यासा नहीं है तो जैसे आप पूरे साल सबीलें नहीं लगाते तो मुहर्रम में भी ना लगाएं आप, क्योंकि अगर आप पूरे साल नहीं लगाते मुहर्रम में लगा रहे हैं तो इसकी अलामत है आप इस महीने को सबील के हवाले से खास वैल्यू दे रहे हैं। तो इस वैल्यू की आपके पास कुरान और सुन्नत से दलील होनी चाहिए। दलील नहीं है तो हमारे पास दलील है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द व फी रिवायतिन फहुवा मर्दूद। जो हमारे दीन में कोई भी नई चीज लेकर आएगा, नबी ने फरमाया वो मर्दूद है, हम नहीं उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो इसलिए भाई हम तो इस हदीस को फॉलो करते हैं। तो काइंडली आप हजरात से गुजारिश है, हाँ कोई पूरे साल सबील लगा के बैठा हो तो वो मुहर्रम में भी लगा ले। क्यों? वो इसलिए कि वो मुहर्रम को अलग से फजीलत नहीं दे रहा सबील के हवाले से, बल्कि वो कह रहा है भाई मैं तो पूरे साल लोगों को पानी पिलाता हूं तो मुहर्रम में भी पिला रहा हूं, मैं तो पूरे साल शरबत पिलाता हूं तो मुहर्रम में भी पिला रहा हूं। लेकिन एक आदमी साल के 11 महीने नहीं पिलाता, सिर्फ मुहर्रम में सबील लगा के बैठा है, इसका मतलब वो इस महीने को सबील के हवाले से ज्यादा वैल्यू दे रहा है। इस वैल्यू के लिए मैंने कहा दलील चाहिए। दलील आपके पास अगर नहीं है तो फिर वो हदीस है जो हमारे दीन में नई चीज ईजाद करेगा तो वो चीज मर्दूद है। इसलिए इस अमल से भी इज्तिनाब करें। देखें जन्नत में जाने के लिए हमें वो काम करने पड़ेंगे जो अल्लाह रसूल ने बताए हैं, और उसमें अपनी तरफ से एडिशन करना ये नाजायज है। इसको इस अमल को शरीयत में बिदअत सैया कहा जाता है। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करें।